दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो ऐसा क्या खिलाया जाए कि हमारे डॉग जो है वो हेल्दी भी रहें और मोटे तगड़े भी हो जाएं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर्दी के मौसम में, दो ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे कि आपका डॉग एकदम से हेल्दी और मोटा तगड़ा बना रहेगा। देखिए, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, जब भी मौसम में बदलाव होता है आपको डिवॉर्मिंग करवानी होती है। सीधा देख लीजिए, क्या 2 महीने बीत गए हैं आपने डिवॉर्मिंग नहीं करवाई है, तो पहला काम आप किसी अच्छी दवा से डिवॉर्मिंग करवाएं। सेकंड काम, उसे मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक जरूर दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सर्दी में एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके लिए ये काम आप ज़रूर करें। इसके अलावा जो भी आप खाना खिला रहे हैं उसे संतुलित कीजिए, यानी ऐसा खाना खिलाइए जिसमें कि उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर एक निश्चित मात्रा में मिल सके, जितना डॉग को ज़रूरत हो। तो ये तो है महत्वपूर्ण चीज़ें जिनका सभी ध्यान रखते हैं। आप सभी को पता भी है, डाइट प्लान्स पता है, हर ब्रीड के ऊपर हमारे चैनल पर डाइट प्लान्स बने हुए हैं, वो आप फॉलो कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो 2 चीज़ें हमें अलग से ऐड करनी है या कर सकते हैं, एज ए ट्रीट कर सकते हैं या एज ए फूड कर सकते हैं, उनमें से जो पहली चीज़ है वो है फ्रेंड पोटैटो। पोटैटो आलू, आलू हर घर में मिलता है। आलू को आप लाइट बॉइल्ड कीजिए, उबालिए, हल्का उबाल करके छिलके उतारिए और अपने डॉग को खिला दीजिए। बहुत ही रुचिकर तरीके से ये खाएगा, किसी भी चीज़ में मिला करके भी खिला सकते हैं, आराम से खाएगा। और ये आप अगर देते हैं सर्दी के मौसम में तो भाई बहुत अच्छा रहेगा, बॉडी अंदर से गर्म रहेगी। इसके अलावा हेल्दी और मोटा भी बना रहेगा। तो प्रथम जो चीज़ थी वो थी पोटैटो, सेकेंड जो चीज़ है वो इसी का ग्रुप और वो है स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। शकरकंद भी भाई बहुत ही शानदार है, आप दीजिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इसी तरीके से इसको भी आप बॉईल कीजिए, बॉईल करके और छिलके उतार दीजिए और उतार करके अपने डॉग को खिलाइए, बहुत ही शानदार रहेगा। हर ब्रीड पर ये फॉर्मूला काम करेगा और सर्दी के मौसम में तो आप मानिए कि वो बीमार भी नहीं होगा, अंदर से बिल्कुल उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और वो सर्दी से लड़ने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए वो इन दोनों चीज़ों से बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी। तो आप दोनों को खिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप खाना खिला रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा इनको भी ऐड कर दीजिए तो बहुत ही शानदार रहेगा।